JFOS यार बोट के निर्वाण आयो होने, अगर आप JFOS यूज कर रहे हैं ना, आपको दिक्कत फेस हो रही है, साइड एक साइड काम नहीं कर रही, दोनों साइड काम नहीं कर रही, दोनों अलग अलग कनेक्ट हो रही है या फिर चार्ज नहीं हो रहे हैं फोन्स, तो गाइस सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो बोट की कस्टमर सर्विस को कॉन्टेक्ट कर लेना, नीचे लिंक दिया गया, डिटेल दी गई है, अगर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता तो। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के साथ एक कमेंट जरूर से ड्रॉप कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये फोन आते हैं मैसिव 120 आवर्स की बैटरी बैकअप के साथ, एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी लाइट जलती हुई नहीं दिख रही है, रेड व्हाइट या ग्रीन, मतलब आपके फोन्स की चार्जिंग रिक्वायर है, तो टाइप सी के चार्जिंग केबल से चार्ज कर लीजिए। इन केस चार्ज नहीं हो रहे तो केबल आप चेंज करके देख लीजिए, केस तो चार्ज हो जाएगा, अगर आपने इसको ड्रॉप नहीं किया देन कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भाई अगर आपको यहाँ पे और दिक्कत आ रही है, लाइक आपके ईयरफोन्स का मैनुअली ऑफ, 5 सेकंड के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये मैनुअली ऑफ हो जाता है, तो उसको ऑन करने के लिए दोबारा से केस में रखिए, केस की लिड को क्लोज कर दीजिए, 5-10 मिनट बाद ट्राई करेंगे तो आपके ईयरफोन्स वर्किंग कंडीशन में आपको मिलेंगे। अब ये तो थी बेसिक चीजें जो सबको पता होंगी, जिनको नहीं पता थी उनको पता चल गया, बट अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्मोइल्स, क्या दिक्कत आती है। तो अगर आप कोई भी ईयरफोन्स में नीचे देखेंगे या साइड में देखेंगे तो उनको वहां पे देखने को मिलता है चार्जिंग पॉइंट, एंड चार्जिंग पॉइंट कोई भी ईयरफोन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनके थ्रू ही वो पावर लेते हैं। तो ये इसके चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे दिए गए, एंड अगर यहाँ पे धूल मिट्टी आ गई है, बिकॉज इनको लॉन्च हुए करीबन 9 महीने हो चुके हैं, एंड उस टाइम पे अगर आप इसको रफली यूज कर रहे हो या फिर आपने क्लीन ही नहीं किया तो दिक्कत भाई ऑब्वियसली आ सकती है कोई भी प्रोडक्ट में, अगर आप इसको लाइक विद हाइजीन यूज नहीं करते तो साफ कर लो दिस पार्ट एंड इंटरनल पार्ट, दोनों साफ करने के बाद आप इसको केस में रख दीजिए, एंड केस में रखने के बाद भाई आप हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, अगर ये चार्जिंग पॉइंट से कनेक्टेड नहीं थे तो वो हो जाएंगे कनेक्ट, एंड छोड़ दीजिए इसको अगेन 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए चार्ज कर लीजिए केस को भी, एंड आपके ईयरफोन्स वर्किंग कंडीशन में मिल जाएंगे। बट अगर ये दिक्कत भी नहीं थी, आपको और दिक्कत आ रही, लाइक एक साइड काम नहीं करी, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब भाई मेन चीज आते हैं, रीसेट करते हैं इनको, रीसेट करने के बाद सॉल्यूशन आपको फटाक से मिल जाएगा। एंड रीसेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो भाई इसको डिस्कनेक्ट कर देना जो भी डिवाइस से पेयर थी, उसके बाद लिड ओपन करनी इस टाइप से, एंड मेक श्योर करना भाई ईयरफोन्स आपके चार्ज हो, एटलीस्ट नहीं हो भी रहे तो भी केस को तो चार्ज कर ले। देन नीचे की तरफ आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक बटन मिलता है यहाँ पे बिल्कुल आपके चार्जिंग पॉइंट के साथ, तो उसको आप प्रेस करके रखिए, तो यहां पे मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूं। ओके, तो ये जो प्रेस है ये आपको करना है 10 सेकंड्स के लिए। ओके, 10 सेकंड के बाद आपके जो ईयरफोन्स है वो जाएंगे रीसेट कंप्लीट, एंड रीसेट एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका जो ईयरफोन्स है, जो आपका प्रोडक्ट है, आप उसको दोबारा से फ्रेश प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो रेड लाइट आई मतलब रीसेट हमारे प्रोडक्ट का हो चुका है कंप्लीट, एंड मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर सकता हूं, पेयरिंग प्रोसेस में जा सकता हूं एंड यूज कर सकते हैं इसको। तो गाइस ये था कुछ इस वीडियो के लिए, आई होप सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला बोट कस्टमर सर्विस को कॉन्टेक्ट कर लो, नीचे दिए गए लिंक से सॉल्यूशन मिल गया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।